सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। आज मेरे बाबा जी की डेथ होगी। मेरे बाबा जी काफी बीमार चल रहे थे, आज वो एक्सपायर हो गए और रात वो रेस्क्यू वाला पैरोट भी एक्सपायर हो गया। और गाइस थोड़ी देर में रोक्सी वाला पप्पी भी दे दूंगा, डमरू यो रहा डमरू, इसे भाई देना जरूरी है क्योंकि भाई अभी कुछ दिन मेहमान आते रहेंगे। बाकी डॉग्स तो मैंने कैनल के अंदर कर दिया बंद, बट भाई पप्पी को नहीं कर सकता मैं। सो वैसा भी थोड़ा फ्री हुआ, मैं थोड़ी देर में से पप्पी को देने जाऊंगा। वैसा भाई रोक्सी के जाने से परेशान तो होगी, बट भाई देना जरूरी है। रोक्सी तो बेचारी वैसे भी परेशान है, सारे दिन मेरे बाबा जी के पास ही रहती है या नीचे ही रहा करती। और गाइस ये रहो पैरट, सुबह से इसे ले जाने का टाइम नहीं मिला, छत पर रख दिया था जिससे कि रोक्सी नुकसान न पहुंचा पावे। नीचे रोक्सी खड़ी ना अब भी सही देख रही। तो गाइस आगे पैरट को लेकर कैसी कट्टा यहाँ पे पहले से कुदरा था, सोच रहा था बताऊँ सारा अपना चिंटू जा गया। वो चिंटू गिर गया होता गड्ढे में, आराम से भाई आराम से। बस भाई कहीं चिंटू का बच्चा इसे गड्ढे में से बाहर ना निकाल ले, जंगली डॉग हो गया ना, जंगली डॉग्स कर दे ऐसी ऐसी हरकत। और कई अलग से गड्ढा खोद का दाब रहे वहां पे, नहीं दाब रहे। बस भाई एकदम से दिक्कत पर दिक्कत आ रही, पहले सिम्बा का चोट लग गई। हाँ चिंटू क्या हो गया, क्या हो गया बता क्या हो गया। ये उन्होंने कह रहा है इसमें दिखा दे क्या है, बट भाई अगर इसे दिखा दिया इसका कुछ भरोसा नहीं, क्या पता लेकर भाग जा। नहीं चिंटू बस मान जा, क्या कर रहा है इसका, तोता है इसमें, तोता है तोता। चिंटू को पहला आगे को ले जाऊंगा उसके बाद ही दाबेंगे, वरना भाई मुझे लग रहा गड्ढे में से निकाल सके वो अगर बिल्कुल इसके सामने दाब दिया। ओए चिंटू के बच्चे हट जा, इसे चिंटू को घर ले जाना पड़ेगा। चिंटू आंख बंद कर ले देखा ना। ओए ज्यादा चालू ना बने, बस बहुत हो गया। देखा चिंटू को लेकर चलता हूँ आगे, मेरे पीछे वो दाब दगा। आजा भाई चिंटू घुमा कर लूँ। आज भाई अपने डॉग्स को भी नहीं देखा गया, सुबह से कैनल के अंदर बंद कर रखे सारे के सारे, बस एक बार सुबह के टाइम खाना खिलाता। अगर घर पर चल का टाइम मिला चल के देखूंगा एक बार उन्हें क्या कंडीशन है उनकी। ओए चिंटू उधर ना जावे, रुक रुक। ओए चिंटू के बच्चे रुक जा, रुक 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 जा, रुक जा भाई रुक जा। इसकी आंखों पर लगाता हूँ हाथ, बस उसी साइड को चल दिया था। अरे लौटेगा और ड्रामेबाज, बस लौटते थोड़ी देर। तो गाइस ये घूम रहे सारे डॉग्स, अभी अभी ना बाहर निकल लो, सभी को कमरे के अंदर कर रखा था बंद, सुबह से अभी मिला मैं इनसे। बस सिम्बा बस 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 मान जा सिम्बा, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और गाइस मेन मुझे बस सिम्बा की टेंशन हो रही थी, कहीं कोई से डॉग ना खेल खेल में इसके टंके वंके ना तोड़ दी हो, स्पेशली फॉर या चिंकी सर की, सिम्बा को छेड़े जाती। ब्लैकिंग को तो खैर दूसरे वाले रूम में कर रखा बंद, ब्लैकिंग भी छेड़े जाता। रोको आ जा अंदर बैठ जा, वैसे तो भाई ऊपर पंखा वगैरह चला रखा है इनके नाम का, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैठ जा। और गाइस ये बैठे जूली वाले पप्पीस, इनके नाम का भी ऊपर पंखा चल रहा। वैसे भाई डॉग्स के यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि सुबह से अभी मिला टेंशन सी हो रही थी, क्या पता कोई से ना सिम्बा की चोट वोट दुखा दी हो। अभी एक दो दिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाने के ऊपर, बट भाई फिर भी बीच बीच में देखता ही रहूंगा क्या कर रहे क्या नहीं। और कई शायद जूली वाले पप्पी ज्यादा ही भूखे हो रहे, इनके नाम का एक दही का पैकेट लेकर आता हूँ, दही खा लेंगे थोड़े बहुत। चिंकी तजर्ब कर दूंगा इनके साथ बंद, बिल्कुल केज के अंदर घुसने को रही थी, रोक तो बैठ गया यहाँ पे, रोको ध्यान रखिए पिछलो का ठीक है, दही लेकर आ लिया। और गाइस इतना मैं दुकान से दही लेकर आऊँ, इन दोनों पप्पी को बाहर निकालता हूँ, अपनी मम्मी का दूध पी लेंगे थोड़ा बहुत। तो गाइस आ गया पप्पीस के नाम की दही लेकर, आया पप्पीस के नाम की लेकर, और सारे के सारे चिपट गए। जोरा कह रही मुझे दे, चिंकी कह रही मुझे दे, रुक जाओ बेचारे आज सारे भूखे हो रहे, सुबह भी ना वैसे ही खाना रखा गया जल्दी जल्दी में, बस जोरी बस। तो गाइस अभी दोनों को केज के अंदर बैठा कर दही रख दी, क्योंकि भाई बाहर सारे के सारे डॉग्स परेशान कर रहे थे, इन्हें शाम का खाना थोड़ा जल्दी दूंगा। तो गाइस अभी कैनल में से दौड़ने की आवाज आ रही थी, अंदर आके देखा चारों गिरफ में लगे पड़े। और गाइस खाना वाना मैंने सभी को खिलाई दिया था शाम के टाइम। हाँ चिंकी क्या हो गया, चिंकी और सिम्बा बार बार मेरा चिपट रहे। वैसा भाई इनका कैनल के अंदर जी तो पूरा लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजे से रह रहे सारे के सारे, एक दूसरे के साथ खेल कूद भी रहे। हाँ चिंकी बस मान जा, चिंकी मेरे साथ खेली खेलने को, बस मान जा मान जा मान जा। बस बीच बीच में मुझे सिम्बा का डर हुआ रहा है, कहीं सिम्बा का ना कोई सा चोट वोट दुखा दे। दो तीन दिन की बात हो रहा है फिर सिम्बा के टंके निकल जाएंगे, उसके बाद चाहे खूब खेल लो इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चिंकी फिर खूब खेलिए इसके साथ। और गाइस रोक की ताकत देखो, अकेला रोक इन तीनों पर भारी पड़ रहा, ये तीन एक साइड हो रहे और रोक इस साइड अकेला हो रहा, तीनों के तीनों पूरी ताकत लगा रही इस साइड को, बट भाई रोक कहाँ पीछे हटने वाला, रोक भी बिल्कुल अड़ गया निकाल गए। नो कह रहा चाहे कितनी ताकत लगा लो छोड़ने का तो हुई नहीं। और गाइस आज के वो लोग कैंडिंग यहीं पर करता हूँ, अभी एक दो दिन ज़्यादा खास वो लोग नहीं आने के, ना मैं इन्हें कहीं बाहर ले जा सकता, डॉग्स भी बेचारे परेशान रहेंगे।